औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बेटियां क्यों आवाज़ नहीं उठाती? खुदा रहमत कहा करें बेटियों को कि अब मर कर ही ससुराल से निकलना, उनको मजबूत बनाएं, कमज़ोर नहीं। क्यों जुल्म सहती हैं ये बेटियां, क्यों आवाज़ नहीं उठाती? अल्लाह ने घर बसाने के तरीके ज़रूर बताए हैं, मगर इनमें कोई भी तरीका ये नहीं है कि मियाँ की मार खाते रहो उस वक्त तक जब तक तुम अंपायर ना हो जाओ, घर बसाते बसाते अपने आप ही गवा दो। ऐसे ज़ालिम शोर को बर्दाश्त करना ही अपने साथ जुल्म करने के मुतरादिफ़ है। मर्द का हाथ एक बार उठ जाए तो उसे वहीं बावर करवा दें, या ये दोबारा ना होना चाहिए। वो आपका शोर ही क्यों ना हो, चाहे ये काम खुद कर दें या फिर बुज़ुर्गों से करवा दें, क्योंकि एक बार हाथ उठ जाए तो बार बार भी उठ सकता है। शोर के हकूक़ में कहीं भी यह नहीं कि औरत पर उसकी मार खाते रहना फ़र्ज है, लिहाजा ऐसे शोरों से पिटने की ज़रूरत नहीं। बेहतर है कि जानवरों से खरीद लेना, क्योंकि मर्द कभी औरत पर जुल्म नहीं करता। यह दरिंदे ही अपनी दरिंदगी ही औरतों पर निकालते हैं। बेहतर होगा खवातीन जितनी नसीहतें अपनी बेटियों को करती हैं ससुराल से जनाजा निकलने की, उसकी थोड़ी सी नसीहत अपने शोरों को भी कर दिया करें कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, औरत को कैसे रखना है। तरबियत नहीं करनी होती तो ऐसे बेटों से अच्छा कोई जानवर क्यों ना पाल लेते। बातें तख्लीक हैं मगर आईना देखने से डरे नहीं। और हाँ, ढोल अगर चेहरे पर हो तो आईना साफ नहीं करते, साफ करते हैं। और अगर मुंह पर भी कोई बाज़ार कुछ ना लगा हो तो दिल में झांक लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात दिल की कालक चेहरे की खूबसूरती छीन लेती है। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।